फीफा 2022 का खिताब अर्जेंटीना देश की टीम ने फ्रांस को 4-2 से हराकर जीत लिया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण खेला गया, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कतर देश में हुआ, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजन किया गया? तो ये कतर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया, यानी कितने टीमों ने उसमें पार्टिसिपेट किया? तो इसमें उन लोग लगभग क्या, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी ऑफिशियल शुभंकर क्या था? तो आपका आंसर बी लाइव। आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं, एक विशेष तरीके की चिड़िया होती है जो काफ़ी फुर्तीली और एक्सपर्ट होती है हर मामले में, तो इसीलिए इसका शुभंकर लाइव रखा गया और उसका आदर्श वाक्य एक्सपेक्ट अमेजिंग यानी कमाल की अपेक्षा रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, इनमें से कौन है? तो इनमें से ये तीनों हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए बायजूस ये इंडिया की कंपनी है और बाकी ये वहाँ का है, तो इस तरीके से ये एक इंडिया की कंपनी हो गई और तीनों ने उसमें स्पॉन्सर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच किसके बीच हुआ, फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस और अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अभी हमने बताया ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना की टीम ने 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन रहा है? तो जो दो थे उसमें से एक उप विजेता था वो है फ्रांस, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे फ्रांस दो बार विजेता रह चुका है, 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता फ्रांस ही था, तो फ्रांस दो बार विजेता रह चुका है, एक बार 1998 में और दूसरा 1918 में, सॉरी 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता टीम को कितनी इनाम राशि मिली है, कितनी इनाम राशि मिली है? तो इसमें विजेता टीम को लगभग $42 मिलियन, आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा, $42 मिलियन, लगभग ये 347 करोड़ रुपए हुए, ये इतने विजेता टीम को मिली है। और बात करें उप विजेता टीम की, तो उनको $30 मिलियन यानी 248 करोड़ रुपए मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? तो फीफा 2022 का फाइनल मैच लुसेन स्टेडियम, लुसेन में हुआ, जो कि कतर देश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला? देखिए गोल्डन बूट पुरस्कार उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, तो इनमें इनको मिला है, इनका नाम है किलियान एम्बाप्पे, जो कि ये फ्रांस के हैं, इनको गोल्डन बूट पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले कौन खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कौन हैं? तो अभी हमने बताया, तो आपका आंसर हो जाएगा बी किलियान एम्बाप्पे, ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब तक पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले
खिलाड़ी कौन है यानी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, तो इनका नाम है मिरोस्लेव क्लोजे जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। और इन्होंने लगभग 24 मैच खेले हैं, उसमें इन्होंने 16 गोल किए हैं। आप लोग ज़रा हमें कमेंट करके बताइए कि दूसरे नंबर पर गोल करने वाले कौन हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ठीक है। इन्हीं चारों में से एक हैं ये जो दूसरे नंबर पे हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है पता करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, किस देश ने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। आप लोग देख सकते हैं ये 1958, 1962 और 1970, 1994 और 2002 में ये 5 बार जीत चुका है। और दूसरे नंबर पे है इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी, जो फीफा संस्था है उसकी स्थापना कब हुई थी? अब बात करते हैं फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 21 मई 1904। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, जो फीफा संस्था है उसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जियानी इन्फेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड यानी इटली, ये स्विट्जरलैंड और इटली इन दो देशों की इनको नागरिकता प्राप्त है, तो ये दो देश के हैं। इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आयोजित होता है, यानी कितने वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? तो चाहे फीफा महिला हो या पुरुष फीफा, तो ये दोनों जो है ये 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत, इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने देखा कि 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1930 में, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में। और बात करें महिला फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत, तो उनकी शुरुआत 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पुरुष फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उरुग्वे। और इसने ही आयोजन भी किया था और ये जीता भी था, ठीक है। देखिए 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था, अभी हमने आपको बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसने 21वां वर्ल्ड कप 2018 फ्रांस ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस देश में होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त सभी, इन तीनों जगहों पर पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा। बात करें वहीं महिला फीफा वर्ल्ड कप की 2023 की, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार पुरुष फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, अभी हमने बताया आपको, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था। आपको ये भी बताना है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के सेशन में फीफा 2022 से जुड़े हुए क्वेश्चन जाने और इसके हिस्ट्री से भी जुड़े हुए क्वेश्चन जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।